अब ऐप वाली टैक्सी नहीं ले सकती ज्यादा किराया, माने ओला उबर जैसी कंपनियां बिजी टाइम पर अब आपसे सरचार्ज के नाम पर एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकती। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, तो क्या है पूरा मामला चलिए देखते हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक ऐप आधारित टैक्सी संचालकों के लिए तैयार नीति में सरचार्ज के प्रावधान को हटा दिया है। संचालकों को सरकार की ओर से तय किराए के हिसाब से ही टैक्सी चलानी होगी। दिल्ली में ऐप आधारित चार पहिया, तिपहिया और दुपहिया संचालकों के लिए एग्रीगेटर नीति को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अब इस हफ्ते से इस पर जनता किराए भी ली जाएगी। पहले इस प्रावधान में था कि टैक्सी संचालक तय किराए से ज्यादा दुगना यानी कि डबल चार्ज तक सरचार्ज ले सकते हैं। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत वो भी इससे बहुत ज्यादा परेशान थे। सवाल उठा कि अगर ऐप आधारित टैक्सी संचालकों को सर्ज प्राइसिंग की मंजूरी दी जाती है तो फिर बाकी टैक्सी चालकों को जिनका किराया सरकार तय करती है उन्हें किराया बढ़ाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी। माने या तो दोनों को किराया बढ़ाने की चांसेस दीजिए या फिर दोनों को हटा दो। तो इसी वजह से अब ये प्रावधान खत्म किया जा रहा है। अगर आपको नहीं पता कि सर चार्ज और ये सर्ज प्राइसिंग क्या है तो आपको बता दूं कि अगर किसी एक जगह पर टैक्सी की बुकिंग बहुत ज्यादा है, माने डिमांड बहुत ज्यादा है और उस डिमांड के हिसाब से टैक्सी बहुत कम है तो उसका किराया बढ़ा दिया जाता है, यानी जो पैसेंजर ज्यादा किराया देने के लिए तैयार होता है टैक्सी उसे दी जाती है। इसे सर्ज चार्ज या सर्ज प्राइसिंग कहते हैं। ये ज्यादातर पीक आवर्स माने सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से 8 बजे के बीच या फिर देर रात लागू होता है, जब सड़कों पर टैक्सियां कम होती हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार अब कैब शेयरिंग का प्रावधान भी खत्म करेगी। सूत्रों की माने तो मोटर वाहन एक्ट के प्रावधानों के चलते ये संभव अभी नहीं हो पाया है। टैक्सी को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के तहत परमिट दिया जाता है, माने गाड़ी पूरी बुक होती है इसलिए सीट अलग से नहीं बेची जा सकती। तो कुल मिलाकर अगर ये नियम भी लागू होता है तो जो कैब शेयरिंग वाला फंडा चल रहा है वो दिल्ली में बंद हो जाएगा। इसके अलावा नीति बनने के 3 महीने के अंदर चल रहे वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर ₹25,000 का जुर्माना लगेगा, यानी कि अगर टैक्सी के रूप में चल रहे वाहनों की जानकारी तय समय में विभाग को नहीं दी जाती तो ₹15,000 और अलग से वसूले जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।